अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू निजम न्यूज़ इंडिया। दिस इज शेख अहमद मियाँ। महेश कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स स्टेज धरना एट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिस एट नामपल्ली। वन ऑफ द मेंबर्स सेड इट हैज़ बीन 3 डेज कंप्लीटेड फॉर इलेक्शंस, द रिजल्ट वेर नॉट डिस्क्लोज। सो विद द मेंबर्स ऑफ फॉर्मर चेयरमैन रमेश बंग्स पैनल मेंबर्स प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस नामपल्ली। वाई Did they stop the counting in the middle? We don't know. So our member of panel and former chairman Ramesh Bhang met the cooperation department official to complete the counting and rule the result as soon as possible. Reporter Sanjay Sai Prasad, Hyderabad Central, Telangana. बहुत बढ़िया इंतजाम किए थे। 21 तारीख को हमारा काउंटिंग डे था, सुबह 9 बजे बुलाया गया वहाँ एलपी स्टेडियम टेनिस कोर्ट में। 7:30 काउंटिंग चालू हुई थी और 6 राउंड एवरी 1 आवर को एक राउंड हुआ। शाम के 5 बजे तक 6 राउंड हो गए थे। 7th राउंड में उन लोगों ने जो 10 बचे थे, 10 EVM मशीन बचे थे, उसमें से 6 ही मशीनों को लाके काउंट किया। 4 मशीन क्या कारण से रोके हमें कोई रीजन नहीं बताया। वो 4 मशीन क्यों रखे, तो हम साथ में भी हम इलेक्शन ऑफिसर रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने हमें कोई संतुष्टि जनक जवाब नहीं दिया, हमें कोई रेटिंग में कुछ नहीं दिया था। इसलिए हम सवेरे मंत्री जी से मिलकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिलकर, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार साहब को हमारा रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपका प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट कर दूंगा और जनगणना जो 4 बूथ के बचे हुए है वो करवा दूंगा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल निजम न्यूज इंडिया हैदराबाद।